हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्या भक्तों, आपको भी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है और आपके घर में भी पैसा नहीं टिकता है? तो आज हमें आपको घर में ही मौजूद कुछ ऐसी निशानियाँ बताने वाले हैं जिनके कारण आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है और आप भी चाहते हैं अगर गरीबी से छुटकारा पाना, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आप उन्हें आज ही छोड़ दीजिए। तो यकीन मानिए, गरीबी आपके घर में तो क्या आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो इन गलतियों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो भक्तों, ऐसा कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा को नहीं पाना चाहता? अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको गरीब बना रही हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लेंगे, आप किसी पेड़ के नीचे पेशाब ना करें। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत ही गंदी आदत है। किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब ना करें। ऐसा करने से आपके घर गरीबी आती है, क्योंकि पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए आप ऐसा करने की गलती ना करें। दूसरा है, दूसरी गलती जो आप लोग जाने अनजाने में आप अपने घर में टूटी हुई कंघी रख लेते हैं। अगर आप टूटी हुई कंघी से बाल बनाते हैं, ऐसा करना शास्त्रों के मुताबिक गलत माना गया है। अगर आप टूटी कंघी का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ लें कि राहु और केतु का वास हो चुका है। दोस्तों, आपके घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, घर के अंदर कभी गंदगी जमा ना होने दें। अगर आप घर को गंदा रखेंगे तो माता लक्ष्मी नहीं आती। घर को झाड़ू पोछा लगाकर साफ सुथरा रखें और साथ ही घर को सुगंधित रखें। साफ सुथरे घर में माता लक्ष्मी रानी कृपा करती हैं। और अब बात करते हैं, आप रोटी को कभी भी दांतों से नोच नोच कर ना खाएं। ऐसा करने से रोटी का अपमान माना जाता है। रोटी को हमेशा हाथ से तोड़कर उसके पश्चात ही उसको खाना चाहिए। और अगला है, दांतों से नाखून काटना। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नाखूनों में अंदर गंदगी होती है और आप उन्हीं को दांतों से काटते हैं तो आपके मुंह में गंदगी जाएगी। शास्त्रों में ऐसा करना गलत माना गया है। और अगला, जो लोग घर में लेट तक सोते रहते हैं, यानी जल्दी उठने की आदत नहीं होती है, ऐसे घर में भी माता रानी कभी भी नहीं आती। सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है और आपके घर की गरीबी दूर हो सके। भक्तों, कभी भी घर में जूते या चप्पल को उल्टा करके नहीं रखने चाहिए। घर भूल से भी घर में जूते चप्पल उल्टे ना रखें, आप उनको तुरंत सीधा कर दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार घर में जूते चप्पल उल्टा करके रखना अशुभ होता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको भगवान मानकर उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कभी भी पैसों की किल्लत ना आए तो आप अपनी आदतें सुधारिए और घर में झाड़ू कभी भी उल्टी करके ना रखें। मैंने काफ़ी अभी इसी वीडियो में आपको एक पिक्चर दिखाई है, जिस प्रकार झाड़ू वो खड़ी रखी हुई है, आपको अपने घर में इस प्रकार झाड़ू नहीं रखनी है। और झाड़ू हमें कहाँ रखनी है? हमें झाड़ू हमेशा अपने घर में ऐसी जगह रखनी है जहाँ आने जाने वालों की नज़र ना पड़े झाड़ू पर। झाड़ू हमें हमेशा छुपा कर रखनी है। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है, तो इसलिए आप अपने घर में झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में झाड़ू का अनादर किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियाँ ना सिर्फ तरक्की में बाधा पहुँचाती हैं, बल्कि मुश्किलों को भी दोगुना कर देती हैं।
और अब अगला है, चारपाई को उल्टा खड़ा करना होता है अपशगुन और धन हानि होती है, इसलिए हमारे बुजुर्ग हमें ऐसा करने से मना करते हैं। उल्टा का मतलब है चारपाई का जो नीचे का सिरा होता है, जिस तरफ हम पैर करके सोते हैं, उसको ऊपर करके कभी कभी लोगों को आपने देखा होगा खड़े करते हुए चारपाई को। इस प्रकार हमें घर में चारपाई नहीं खड़ी करनी है, उससे दरिद्रता का वास होता है घर में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण।